Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Jaya 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 Ja
Thank you.
Hare Prabhu ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Radha, Radha Radha, Radha Radha, Hare Thank you.
ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो मनोभीष्टम् श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा ददाति मह्यं सपदा आदानं शीलं दन्ते हीतं जाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपदां भोजधोरि सात्मजन्मनियन् सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला परमेश्वर ओम विष्णुपाद श्रोत शिष्म भक्ति प्रज्ञान किशोर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी गण ब्रह्मचारी वैष्णव एवं वैष्णवी गण, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि रूप गोस्वामी के तीर्थतिथि के दिन में आज हम वृंदावन में सेवा कुंज के अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटी और साथ ही उनकी समाधि में हम लोग गए, वहां पर उनका पूजन अर्चन किया, भजन कुटी में भी गए और फिर वहां से गर्भ गोस्वामी का होते हुए हम लोग यहाँ पर आए। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार होता है हो रहा है, इसलिए हम लोग को कुछ समय है श्री लरूप गोस्वामी के संबंध में कुछ बोलने। स्वरूप गोस्वामी कृष्ण लीला में श्री रूप मंजरी थे, वही चैतन्य महाप्रभु के परिकर चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप मंजरी कितनी उन्नत है, श्री रूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोष्ठ नंदन गुजार्थित मस्तिकाया हम मोदता कनक गौर पदार बिंदम संवाहना निशान करो। राधा जी विहार करते करते थक गई हैं। वो कृष्ण की गोदी में अपने सिर को दे करके पैर कहाँ रखा, रूप मंजरी के गोदी में, और रूप मंजरी उसको धीरे धीरे संवाहन कर रही है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ओ हमारा सौभाग्य होगा कि रूप मंजरी अपनी जो सेवा है बुला करके कहेंगे ये तुम ये सेवा करो, तब मैं उनके चरणों को पलटूंगी। ये उनकी रूप मंजरी की कितनी महिमा है। तांबुलार्पण पाद मर्दन पयो दाना विशारा दिवी बृंदारण्य महेश्वरी सकपतंजस्तो से अंति लिया प्राण सखी कुलादपिखिला असंकोचिता भूमिका केल भूमि स्वरूप मंजरी मुखा तत्दासिका सा। कितना सौभाग्यवती है रूप मंजरी कि जहां पर राधा कृष्ण अस्त व्यस्त है वहां पर तो रूप मंजरी रति मंजरी इत्यादि जा सकती हैं और उनको कपड़े पहना करके उनकी सेवा कर सकती, किंतु उनसे भी श्रेष्ठ ललिता की शाखा है प्रिय नर सखियां है, उनका यह सौभाग्य है। वो पहले पूछेंगी रूप मंजरी क्या मैं आ सकता हूँ घर में, कुंज में आ सकता हूँ, यदि रूप मंजरी आदेश देंगी तब तो यह ललिता विशाखा ऐसा मंजरियों का सौभाग्य है। किंतु रूप मंजरी ने हम जैसे जीवों को वो भाव कैसे प्राप्त होगा, उसका साधन क्या है, किस प्रकार से रूप मंजरी
के अनुगत्य में हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। रूप मंजरी को समझो, वो कृष्ण पक्षी है, कृष्ण के सुख में सुख, राधा जी के सुख में सुख और विरह में विरह। ये भी ललिता विशाखा की तरफ में जुथेश्वरी होने झुक गए, किंतु पादाज्ञयो स्तव बिना वरदास्यमेव। हम थे तो राधिका जी के चरण की दासी को भी को ही हम कुचेंगे। राधा जी की सखी को हम दूर से प्रणाम करते हैं, यदि कहे राधा जी हमारी सखी बन जाओ, उसको हमारा प्रणाम है। मुझे दासस्तु रसस्तु रसस्तु दासी भाव रघुनाथ जी को इत्यादि सबको ये प्रयोजन है। तो ये रूपमंजरी नहीं दे सकी, साधन जो हम कैसे कर करके उनकी अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करें, नहीं दे सके। किंतु रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के प्रेरणा से और उनकी कृपा से इस चीज को दिया। उन्होंने इसके लिए भक्तिरसामृत सिंधु, उज्जलिन मणि, विदग्ध माधव, ललित मधर इत्यादि ग्रंथों को दिया। विशेष करके उज्जवलिन मणि में यद्यपि उन्होंने भक्तिरसामृत सिंधु में दास सख शब्द तक दिया और मथुरास का भी वर्णन तो बहुत संक्षेप में किया, क्योंकि इसके अधिकारी लोग बहुत कम हैं, बहुत कम बिरले हैं। यदि किसी को लोभ भी हुआ है कि हम इस रहस्य उनकी सेवा करें, किंतु उनका संस्कार पूर्व जन्म का या इस जन्म का संस्कार नहीं होने से नहीं हो सकता। जिनको दास सख्य बात्सल्य में रुचि है, उनके लिए यह दुरूह है, कठिन है, इस मार्ग में नहीं आ सकते, इसलिए यह भाव बहुत कठिन है। किंतु रूप गोस्वामी ने उज्ज्वलिन मणि में ये कैसे इस भाव को पाया जाएगा, उल्लास रति वाली गोपियों का भाव, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए, रूप गोस्वामी ने ही कहा है, जो कृष्ण स्वरूप है, राधा जी की भाव और कांति लेकर जगत में आए हैं, किस लिए, वितरण करने के लिए। क्या वितरण करने के लिए? राधा भाव का आस्वादन करने के। और वितरण क्या करें, बड़े करुण है, करुण से करुण, रसिक शेखर कृष्ण परम कारुण, एक दुई हेतु इच्छा रूपम, उनकी इच्छा। बहुत दिनों तक उन्नत उज्ज्वल रस का भाव, माने क्या, उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं पार्किया को, पार्किया भाव को, और पार्किया भाव में राधा जी का जो भाव है सर्वश्रेष्ठ, मदनाक्ष 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 भाव तक इसको तो दिया नहीं जा सकता। तब क्या जाएगा, भक्ति श्रियम स्वभक्ति, स्व माने राधिका के हृदय में जो भक्ति है उसका, उसकी शोभा, शोभा माने मंजरी भाव, ललिता विशाखा इत्यादि पुष्प और पत्ते हैं और रूपमंजरी इत्यादि मंजरी है। यदि लता अकेले रहे, सखिया न रहे, पुष्प पुष्प और पत्र न रहे, अकेले उसका कोई, इसलिए राधा जी अकेले रहे तो मूल्य नहीं होगा, इसलिए पुष्प पत्ते तो ललिता इत्यादि है और मंजरिया है गोपिया, ये मंजरी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु किया है। इसलिए रूप गोस्वामी ने वाराणसी प्रयाग में महाप्रभु जी ने कहा क्या, परावार शून्य एक
रस सिंधु कुमार चरखाई थे एक बिंदु उनको चखाया हुआ और उसी का रूप वर्षा भी ने और भक्त ने साफी सिंधु उज्जवल नील मणि विदर्श माधव ललित माधव हंस धूप आदि ग्रंथों में उसका विस्तार से वर्णन किया। इसलिए कैसे हम उस भाव को पा सकते हैं गोस्वामी ने दिया। इसलिए मंजरी की अपेक्षा भी रूप गोस्वामी का महत्व अधिक है। और भी देखो चैतन्य महाप्रभु का मनोदिष्ट क्या है, चैतन्य महाप्रभु किस लिए है? एक तो है राधा भाव का स्वादन तीन कारणों से, राधा प्रणय महिला, और दूसरा उपपति भाव देने के लिए रूप गोस्वामी ने क्या किया महाप्रभु के पहले और रूप गोस्वामी के पहले चारों संप्रदाय के लोग और साधारण लोग उपपति भाव को बहुत कलंकी और लज्जा समझते थे। इसलिए उस समय घृणा के प्रति होता था, किंतु रूप गोस्वामी ने क्या किया शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर यह प्रमाणित किया कि जहां पर कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वो कृष्ण ही नायक हैं और जहां पर कि उनकी कलाएं आनंद चिन्मय रस प्रतिभा रूप तया निज रूप तया कला वो कृष्ण और राधा जी दो नहीं है एक है और राधा जी की ये काय भी वह है कौन गोपियां ललिता विशाखा इत्यादि मंजरी इत्यादि अतएव उनसे भिन्न नहीं है शक्ति शक्ति मतोर अवेद शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है। इसलिए जहां पर कि नायक स्वयं कृष्ण है और जहां पर नायिका भी स्वयं कृष्ण ही है राधा जी के रूप में गोपियों के रूप में वहां पर पार्थिया दोष में दोष नहीं है। किंतु कृष्ण के अतिरिक्त और लोग यदि पार्थिय रास अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरे के पास जाए विहार करें इसमें बड़ी भारी लज्जा की बात है। शास्त्रों में इसी के लिए मना किया गया। शास्त्र में भागवत में लिखा न तापाज माणा पति भी अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण ने जबकि बंसी बजाई शरद पूर्णिमा को तो सब गोपियां चली उनके पति मना करते रहे नहीं बन। और भी प्रत्येक रास पंच अध्याय के प्रत्येक श्लोक में उपपति भाव का ही वर्णन है। पति सुतान वय भ्रातृपण भवान अतिपिलंकते अंत अच्युतावता अपने पतियों को छोड़ करके ये गोपियां चली गई यहां पर कृष्ण है उनके साथ में और आशा बहु चरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गल्गुल दौषदीना जब दुस्तजन स्वजन आर्य पतंजलि भेदे मुकंद पदवे सुधरी आर्य पद को छोड़ करके आर्य पद माने के अपने पतियों को भी छोड़ करके सब कुछ और कृष्ण के पास में न पारे हम निर्वज्ज संजुजां ससाद कृत्या बहुधा अनुसाप्व मा दुर्जन गृह श्रृंखला संप्रिश्य तत्व प्रतिजा कृष्ण ने जब बंसी बजाई जब रास किया तो अंत में कहते हैं कि मैं गोपियों का ऋण नहीं चुका सकता ब्रह्मा की आयु यदि लाभ करके भी मैं यदि ऋण चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। क्यों दुर्जन गृह श्रृंखला अपने पतियों को छोड़ करके गुरुजनों की बात को छोड़कर लोक लज्जा सब कुछ को छोड़ करके कृष्ण के पास गए। इसलिए हे गोपियों अपने सद्गुणों से मुझे तुम अपने ऋण से ऋण कर दो किंतु फिर भी मैं तुम्हारा ऋण
ये जहाँ पर नायक कृष्ण है नायिका ही गोपियां है, ये दोष नहीं है। रूप गोस्वामी का एक और वैशिष्ट है, उन्होंने भक्त स्वामी सिंधु उज्जवल इत्यादि ग्रंथों में भक्ति के प्रत्येक स्तर की परिभाषा की है। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा किसको कहते हैं? लोगों की श्रद्धा तो प्रणाम कर लिया हो गया, किंतु परमात्मा की श्रद्धा, श्रद्धा तो अनुपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त विशेषण, अन्य उपाय को छोड़ करके कर्म ज्ञान योग तपस्या ध्यान धारणा सब छोड़ करके अन्य उपाय वर्जन कृष्ण उन्मुखी चित्त सेवा की वासना उसके हृदय में आई है और उसमें शरणागति हो गई, तो इसको श्रद्धा। साधन किसको कहते हैं? ऐसे साधन जैसा हम कर रहे हैं नहीं हो, कृति साध्य भवे साध भाव ससाधन अभिदा नित्य भाव सिद्ध भाव से प्रापटन, भाव को लक्ष्य कर, रति को लक्ष्य करके जो इंद्रियों के द्वारा साधन किया जाता है, भाव को लक्ष्य कर। और भाव को भी समझो, ये भाव क्या है? निष्ठा रुचि आसक्ति, इसके बाद में भाव शुद्ध सत्व इत्यादि। तो इसलिए तब जा करके क्या बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। रति किसको कहते हैं? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुख जान सुसाम व्यवहार रुचि चित्तम आश्रय दशम भाव। बहुत कठिन चीज है रति या भाव होना, साधारण नहीं है। रति नहीं, रति होने पर भी उसका स्वरूप कुछ हृदय में आने लगता है, झलकता है कि हमारा स्वरूप क्या है। शुद्ध और सत्व, देखो पहले है सत्व, मिश्र सत्व, मिश्र सत्व बद्ध जी और शुद्ध सत्व जी। विशुद्ध सत्व कौन? कृष्ण, कृष्ण के परिकार, कृष्ण के जितने जो कुछ है वो सब शुद्ध। और विशुद्ध सत्व वो विशुद्ध सत्व कहते हैं जो जैसे सुबल आदि सखा है उनका सख्य भाव, रागात्मिक भक्ति वाले, और यशोदानंद जैसे वात्सल्य का भाव है उनके अंदर में, वात्सल्य भाव, और गोपियों में मधुर भाव है। जो जिसके प्रति उपलब्ध लोग जिसको उत्पन्न होगा, जिनके भावों के प्रति कृष्ण का अनुसरण करते हुए और उन गोपियों का अनुसरण करना, तब तो वो भाव हृदय में आएगा। यदि कोई वात्सल्य भाव चाहता है तो नंद यशोदा जी का अनुगत्य में कृष्ण का स्मरण करते हुए करे, सखा वाले सखा का करें, गोपियों का भाव। ये विशुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये इसी तरह से प्रेम का डिफिनेशन दिया, सम्यक मर्षणितो भाव प्रेम का ध्वंस होने का कारण उपस्थित रहने पर भी प्रेम बढ़ जाए। लोक में समाज में प्रेम का ध्वंस कारण होने पर ध्वंस हो जाता है, उसको गोली मार देते हैं।